अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब फ्रेंड्स? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे। अभी 2-3 दिन से कुछ भी वीडियो नहीं लोड की, तो अभी मैं बनाने लगी थी लंच में चिकन कोरमा, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ। तो अभी बहुत ही इजी रेसिपी है, सारे घरों में बनता है, सबका अपना अपना स्टाइल होता है। तो देखते हैं मैं कैसे बनाती हूँ। ये मैंने 1 किलो चिकन लिया है और 1 कप योगर्ट लिया मैंने। योगर्ट को मैं एक बाउल में डाल लेती हूँ। और इसको मैं चिकन को मैरिनेट कर लेती हूँ। ये मैंने मसाला लिया कुछ पाउडर्स, इसमें धनिया पाउडर 1 चम्मच, जीरा पाउडर 1/2 चम्मच, मिक्स गरम मसाला 1/2 चम्मच, नमक 1/2 चम्मच और 1 टीस्पून, रेड चिल्ली पाउडर और कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर, और ये एक सिनेमन स्टिक है, 4 लौंग है, एक बड़ी इलायची ब्लैक कार्डम और 4 मैंने ये छोटी ग्रीन इलायची ली है। ये मैं बाद में यूज़ करूँगी पकाते हुए, लेकिन ये अभी मैं चिकन को मैरिनेट करती हूँ। ये सारे मसाले डाल रहा और ये कोरमा मसाला है, ये भी मैं यूज़ करूँगी 1 चम्मच फुल। इससे बहुत अच्छा सा अरोमा आता है, खुशबू बहुत अच्छी आती है। और ये सारे घर के जो मसाले हैं ये भी मैं डाल दूँगी योगर्ट में और इसको मिक्स कर दूँगी अच्छी तरह से। और इसमें ये मैंने चिकन को धो के अच्छी तरह से रख लिया था, ये डाल दूँगी और इसको तकरीबन आधा घंटा मैरिनेशन के लिए रख दूँ। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके मैरिनेट कर देने के लिए रख देती हूँ आधा घंटे तक। तो आधे घंटे बाद हम कुकिंग स्टार्ट करते हैं। चिकन मैरिनेट हो गया आधा घंटे के लिए। ये मैंने एक पैन लिया, इसमें मैंने ये पहले 2 ओनियन थे मीडियम साइज़ के, मैंने अच्छे से डार्क ब्राउन कर लिए। और अब इसमें ये मैंने जो साबुत मसाला था इलायची दालचीनी और लौंग मैंने डाल दिए, इनको थोड़ा सा कुक होने देंगे 1 मिनट के लिए। और इसमें ये मैं डालूँगी गार्लिक पेस्ट, जिंजर पेस्ट और हरी मिर्च का पेस्ट। इसको डाल के फ्राई कर लेते हैं 2-3 मिनट तक। ये लहसुन अदरक और हरी मिर्च को मैंने 2-3 मिनट तक फ्राई किया। अब मैं इसमें ये चिकन डाल दूँगी जो मैरिनेट करके रखा था, और चिकन को अच्छी तरह से 8-10 मिनट तक, जब तक इसका ये पेन का पानी और चिकन का अपना पानी ड्राई हो जाएगा, हम फ्राई कर लेंगे। चिकन को मैंने अच्छी तरह से भून लिया, इसको तकरीबन 10-15 मिनट, इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो गया दही का और चिकन का। अब इसमें ये जो मैंने प्याज फ्राई किए थे इनको मैंने हाथों से चूरा बना लिया, ये मैं डाल दूँगी।
नमस्कार, एक मिनट तक और सुन लूंगी। प्याज डाल के मैंने एक मिनट तक इसको भून लिया। आपने इसमें एक गिलास पानी डाल के इसको लो फ्लेम पे दम लगा दूंगी। तकरीबन इसको 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे दम पे रख दूंगी। कोरमा रेडी है। अब इसमें ये मैं हरी मिर्चें और हरा धनिया थोड़ा सा ये मैं डाल दूँगी। थोड़ा सा और कवर कर देना है एक मिनट के लिए। कोरमा रेडी है, इसको मैं डिश ऑफ कर लेती हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू। मज़ेदार सा देगी स्टाइल का चिकन कोरमा रेडी है। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। थैंक यू।